हेलो दोस्तों, स्मार्ट हेल्प में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं दोनों एलईडी ब्रांड को कंपेयर। इसका हमने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके रखा हुआ है इस चैनल पर। आपको यहाँ पर आई बटन है उसमें दिख जाएगा इसका लिंक, वहाँ पर जाइए और चेकआउट कर सकते हैं। यह हायर की एलईडी है और ये है वर्टिस ब्रांड की एलईडी, जो कि हमारी जो लोकल ब्रांड है उसी ब्रांड है, यानी कि हमारी खुद की ब्रांड ही है इसको आप बोल सकते हैं। पर क्वालिटी आज कंपेयर करेंगे क्यों वर्टिस बेटर है इस हायर की एलईडी से। और ये एक लाइनेक्स बेस्ड एलईडी टीवी है और ये है एंड्रॉयड बेस्ड, यानी कि एंड्रॉयड एलईडी है और एक लाइनेक्स एलईडी है। दोनों को फटाफट अनबॉक्स करते हैं। इसको वैसे हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं और इसकी क्वालिटी आपको बताते हैं। बाकी कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि इसमें आपको दो रिमोट मिल जाएंगे, आपको बेसिकली बता दूँ। और इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, इसमें आपको 2 HDMI पोर्ट मिलेंगे। बल्कि इसमें एक बेनिफिट ये है कि इसमें आपको मिलता है डबल रिमोट कंट्रोल, इसमें आपको एक मिलते हैं, इसमें आपको 2 रिमोट मिलेंगे। तो फटाफट आपको बताते हैं क्वालिटी और कैसी है क्लियरिटी, कॉन्ट्रास्ट और सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो पर। तो वैसे हमने ऑलरेडी इनको खोल के रखा हुआ है, तो यहाँ पर अनबॉक्स वगैरह करने की ज़रूरत कुछ है नहीं। और इसमें जो एसेसरीज है आप देख सकते हैं, इसमें आपको 2 रिमोट कंट्रोल आपको मिलने वाले हैं और 1 साल की आपको वारंटी मिलती है विथ पैनल। ये भी 32 इंच की है और जो हायर वाली है वो भी 32 इंच की है। आपको यहाँ पर बता देते हैं मैं कि क्वालिटी डिफरेंस क्या है। आप देख सकते हैं दोनों एलईडी आपके सामने हैं। ये है हायर की और ये है वर्टिस ब्रांड की। दोनों को आप करते हैं प्लगइन्स और आपको बताते हैं कि किसकी क्लियरिटी बेटर है। दोनों एलईडी को ऑन कर देते हैं। इसमें जो की वाला पैनल है वो साइड में है और आप देख सकते हैं ब्रांडिंग आ चुकी है और इसमें है बॉटम साइड में नीचे की तरफ। ये भी ऑन हो चुकी है। ये स्मार्ट है, वो नॉन स्मार्ट है, यानी कि लाइनेक्स इसमें है, इसमें एंड्रॉयड वर्जन है। तो दोनों ही एलईडी आ चुकी है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आईएसओ कम कर देते हैं। आप देख सकते हैं दोनों का, यहाँ पर हमने एलईडी को चला दिया है, दोनों की ब्लू स्क्रीन आ चुकी है। अब HDMI लगाएंगे और देखेंगे क्वालिटी। स्टार भारत है ये। और यहाँ पर आपको एक और चैनल चला के बता देते हैं, सोनी सब। अब खुद देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी में आपको डिफरेंस लगेगा अभी, क्योंकि अभी हम वो एलईडी चलाएंगे तब। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डिस्कवरी HD भी आपको यहाँ पर चला के बता रहे हैं। और यहाँ पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्लियरिटी, क्वालिटी, ब्राइटनेस, कलर रेजुलेशन और कॉन्ट्रास्ट रेशियो किसका बेटर है। ये है हमारी वर्टिस वाली एलईडी और इस साइड में जो पड़ी है ये है हायर वाली। अब इसमें प्लग इन करेंगे हम कि क्वालिटी बेटर किसकी आ रही है। तो आप अभी देख सकते हैं ये हायर वाली एलईडी है। क्वालिटी डिफरेंस आपको खुद को पता लग रहा होगा। हायर में क्या है कि क्वालिटी वैसे ठीक है, इतनी हम ख़राब नहीं बोल सकते, पर इसमें एक छोटी सी दिक्कत यह है कि इसकी जो स्क्रीन है उस पर हल्की हल्की वाइट जैसी लेयर हमें दिखाई देती है। कैमरे में आपको पता नहीं लगेगा, पर अगर आप आपके नज़दीक में शोरूम है हायर एलईडी या फिर किसी भी ब्रांड का, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। एक बार हायर की आप एलईडी देख लीजिए, फिर किसी और की ब्रांड की आप एलईडी देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस है और क्यों इसके अंदर हल्की वाइट लेयर आती है। यहाँ पर आपको कैमरे में इतना पता नहीं लगेगा, पर जो स्क्रीन टोन वगैरह आपको इतनी बेटर इसमें मिलने वाली नहीं है जितनी कि इस वर्टिस वाली एलईडी में। छोटा सा रिव्यू था, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और लास्ट बात और बता दूँ आपको कि प्राइस इसकी 10,500 है। और बात करें वर्टिस की, तो स्मार्ट एलईडी है
उसके बावजूद इसकी प्राइस बिल्कुल ही चीप है, यानी कि 8,500 से आपको 8,000 तक मिल जाएगी, यानी 8 से 8,500 के बीच में आपको ये 32 इंच की LED मिल जाएगी। तो छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा और लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, टेक केयर और बाय बाय।